देखिए, कल ईद उल फितर मनाई जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। रमज़ान का महीना आज पूरा हो जाएगा और इस सिलसिले में आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, डिवकॉम, डीसी साहिबान और हमारे वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन सारी यहाँ पर हैं। और हम हज़रत बल से हमने अपना दौरा शुरू कर लिया, वहाँ पे भी कल की जो ईद की नमाज़ अदा की जाएगी उसके इंतज़ाम, साफ़ सफाई, पानी, बिजली, इसका खासकर वक्फ बोर्ड को इंतज़ाम करना होता है और आज सारी इंतज़ामिया हमारे साथ थी। खासकर आज सरकार बहुत हसास इस मामले में हो गई है कि ज़ायरीन को कोई तकलीफ़ पेश ना आए, खासकर पानी सायबान होना चाहिए और सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ईद की नमाज़ स्पेशल नमाज होती है, हमारे लिए मुतबरक नमाज होती है। इसमें तमाम कायनात के लिए दुआ मांगी जाती है और ये एक महीने के बाद जब रोज़ादार सुबह अपना इफ्तार करता है और उसके बाद अल्लाह के बारगाह में सुजूद हो जाता है और उसके बाद ही बाकी काम दिन का शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आज हम पहले हज़रत बल गए, इसके बाद आज हज़रत सुल्तान आरिफीन के यहाँ हाज़िरी दी, इसके बाद दस्तगीर साहब जाएंगे और आखिर में हम सैयद साहब के यहाँ जाएंगे, ताकि वहाँ का ये सारा दौरा करके देखेंगे कि कल के इंतज़ाम हतमी तौर पे कहाँ पहुँच गए हैं। तो जामा मस्जिद देखिए, वो आप हालात को पेश नज़र देखकर और सिक्योरिटी के इंतजाम को देखकर एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसला लेगी वही होगा। वक्फ बोर्ड अब फ़ाल हो गया है, बोर्ड बन चुका है और जो इंतजाम करने होंगे वो वक्फ बोर्ड के तहत ही हो जाएंगे और वक्फ को जो अपना काम और अपना दायित्व अपनाना है वो इंशाअल्लाह अब ईद के बाद ही मंजरे आम पे आ जाएगा। برهان أتقيا محبوب رب العالمين منصور خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تيسو فرزند ماني ورسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم إنجز وأولياء المسلمين يمن كيو عز أستديري بردو ديو بردرا نسكن مغان مين سلطان عارفين يشيم سوين بني شيسوين كور أمس ياس يات أهل سنة والجماعت يسبج بار سانين أصلافهم صالحين نزواس أبنو دستگیری.